नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई अबू धाबी के बारे में। जी हाँ, खास तौर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। लोग बड़े खुश थे, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे जो बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ थे उनकी स्क्रीनशॉट डाले, वीडियो डाले। ये देखिए सर, विजिट वीज़ा चालू हो गए अबू धाबी वालों के लिए। जी हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्ट आप इंडिया से फ्लाइट लो और अबू धाबी पहुंच जाओ विजिट वीज़ा वालों के लिए। जी हाँ, बिना वैक्सीन के, बिना कुछ किए हुए आप जो लोग जा सकते हो। ऐसी एक न्यूज़ आई थी, आपने देखा भी होगा, और न्यूज़ जेन्युइन भी आई थी, तब तो लग रही थी क्योंकि खलीज टाइम का न्यूज़ था तो लोगों को विश्वास हो गया। उसको देख के बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट करके इतने सारे वीडियो डाले, और जो लोग मुझे लगता है भाई दुबई जाने वाले थे, लगभग काफ़ी लोगों ने जल्दबाजी में टिकटें भी बुक करवाई होंगी, कुछ ने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए होंगे कि भाई वीज़ा के लिए। लेकिन आज क्या भाई, वो न्यूज़ कल की थी, आज का वो न्यूज़ को अगर आप देखोगे तो कहीं वो न्यूज़ आपको नहीं मिलने वाली है। उस न्यूज़ को डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, वो एक हो सकता है कोई गलत न्यूज़ रिपोर्टिंग हो गई या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन निकली, इस वजह से कुछ कन्फ्यूज़न था कि दुबई भी अल खलीज टाइम आपको पता भाई अखबार है, उसकी वजह से ये सब कुछ गलत हो गया। लेकिन ये अखबार वालों को इतना बड़ा पेपर है जो अल खलीज है, जो दुबई का है, इतना बड़ा पेपर, उनसे गलती हो जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों ने टिकटों के लिए पैसे दे दिए, वीज़ा के लिए पैसे दे दिए, उनको लगा कि हम तो अबू धाबी पहुँच जाएंगे डायरेक्ट इंडिया से विजिट वीज़ा में। जी हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन भाई वो न्यूज़ गलत निकली, गलत साबित हो गई। उस न्यूज़ को 8-10 घंटे बाद में डिलीट कर दिया गया, अब वो उस न्यूज़ को देखोगे तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप जो सपना ले रहे थे इंडिया से विजिट वीज़ा में दुबई पहुंचने का, अबू धाबी पहुंचने का, वो आपका सपना सपना ही है कि अभी तक तो। जी हाँ हाँ, थर्ड कंट्री आप 14 दिन के क्वारंटाइन होकर आप दूसरे देशों के द्वारा आप जा सकते हैं, वो तो प्रोसेस आपको सबको पता है, चालू ही है। जी हाँ, आगे और भी हम वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी भाई, विजिट वीज़ा वाली वो न्यूज़ फेक थी। इतना जल्दी विश्वास करके आप पैसा अगर एजेंट को और वीज़ा के लिए दे देते हैं तो भाई आप भी गलत हो, क्योंकि कोई न्यूज़ आती है उसकी अथोरिटिकेशन, उसका कम से कम थोड़ा सा इंतज़ार करें कि न्यूज़ कब तक सही हो जाती है, यानी फाइनल रिपोर्ट 8-10 घंटे बाद का पता लगता है। एक बार मुंह से निकला वो फाइनल नहीं हो जाता, तो क्योंकि सोशल मीडिया पे डिपेंड, आप लोग सोशल मीडिया पे डिपेंड हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो न्यूज़ निकले वो सही हो, उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। हालांकि हमने ऐसी कोई वीडियो न्यूज़ नहीं बनाई थी कि भाई विजिट वीज़ा स्टार्ट हो गए आप सब लेकर आप भाग जाओ दुबई अबू धाबी, ऐसा कुछ भी न्यूज़ हमने नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ भी बनाई जो गलत साबित हो गई। जी हाँ, अब बात करते हैं भाई अबू धाबी जाने वालों के लिए। अबू धाबी सरकार ने एक नया ऑप्शन कर दिया है कि आप अपने किसी भी देश से, अपने देश में वैक्सीनेशन लिया है कोई बात नहीं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। पहले दुबई ने किया था, अभी अबू धाबी ने स्टार्ट कर दिया है कि भाई आप अपने इंडिया में वैक्सीनेशन लिया है, पाकिस्तान में लिया है, वो लोग अबू धाबी जा सकते हैं। कंडीशन उनके लिए ये रहेगा कि 5 दिन पहले आईसीए का जो उनका वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आईसीए अप्रूवल, यानी दुबई पहुंचने से 5 दिन पहले आप आईसीए का अप्रूवल आपको मिल जाता है तो आप अबू धाबी लैंड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ, अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि वीआई में वैक्सीन ली है तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है भाई, ये अच्छी बात है। तो ये वैक्सीनेशन अगर वीआई में लेकर आप छुट्टी आए तो ये डॉक्यूमेंट आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आईसीए के अप्रूवल तो फिर भी आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अब बात करें भाई अबू धाबी के अलावा जो लोग हैं, ये 5 स्टेट और हैं, क्योंकि 6 मान लो अबू धाबी छठा मान सकते हैं, बाकी 7वां दुबई मान सकते हैं, इन 2 की अपडेट आ रही है। बाकी जो शारजा वगैरह, रसल खेमा और भी वो हैं स्टेट हैं, उनकी क्या अपडेट है भाई, उनकी अपडेट तो कोई नहीं है अभी। उनके वीज़ा से रिलेटेड जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं उनकी कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। अगर आप अदर स्टेट से इंडिया आए हैं या उनका आपका वीज़ा आया हुआ है तो भाई आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो आपको अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, क्योंकि पहली बात तो यार उन स्टेटों में लोग बहुत कम हैं और हो सकता है वो इतना ध्यान नहीं देते अलग अलग स्टेटों के, आपको पता है भाई वीआई में सबके अलग अलग स्टेट अलग अलग मालिक है, दुबई अपने अलग नियम निकालता है, अबू धाबी अलग निकालता है, शारजा अलग निकालता है, तो सबको अलग अलग तरीके से उनको नियमों को फॉलो करना पड़ता है, तो आपको अपनी कंपनी से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जी हाँ, अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है भाई, आईसी अप्रूवल मान लो, जीडीआरएफ अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो कईयों को 2 दिन वेट कर रहे हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लोग वेट कर रहे हैं, तो भाई इसका ऑप्शन भी आप ही के पास है। आपको बार बार बोला जाता है, आपने कभी और भी ट्राई किया होगा, आपको अप्रूवल आपको ही लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई कमी होने की वजह से या फिर अपलोड करते समय या इमेज वगैरह डालते समय, कोई टेक्स्ट मैसेज करते समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है,
क्योंकि सोशल मीडिया पे या फिर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो ना, उसमें एक अक्षर भी गलत नहीं चलता। ऑफलाइन आप पन्ने पे लिख रहे हो, गलती हो जाती है, चल जाता है, लेकिन आप कंप्यूटराइज या इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम में आ जाते हो तो एक अक्षर गलत होने का मतलब वो आपकी प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। 3 दिन 4 दिन क्या 10 दिन निकल जाएंगे तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो 3 दिन 4 दिन के बाद अगर अपलोड नहीं मिल पा रहा तो भाई दोबारा से आप रीडाउनलोड करिए सब डॉक्यूमेंट्स को, या आपको नहीं आता है तो भाई आप जहाँ से टिकट बनवाते हैं वहाँ से करवा लो, या फिर आपके अबूधाबी या दुबई में लोग रहते होंगे उनसे भी आप करवा सकते हो, तो ये प्रोसेस आपका हो सकता है। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि भाई आते हैं कि भाई वर्क परमिट वीज़ा का क्या होगा, क्योंकि यही सरकार ने एक विजिट वीज़ा वालों को तो एक चाल बना के चाल में डाल के अलग उनका तो मैटर ख़त्म कर दिया, क्योंकि विजिट वीज़ा सबको मिल रहे हैं। 14 दिन दूसरी कंट्री में थर्ड कंट्री जाके बहुत सारे कम लोग जाते हैं, वही लोग जा पाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो एक्स्ट्रा माइंड के अलग से थोड़े से होते हैं, वही लोग पहुंच पाते हैं। बाकी तो बेचारे 90% लोग हैं वो वीज़ा लिए बैठे हैं, बाकी दुबई तो वो पहुंच नहीं सकते। बाकी उम्मीद है कि अगले महीने में कुछ अच्छा आप लोगों के लिए होगा सितंबर महीने में, क्योंकि अक्टूबर में तो भाई एक्सपो 2020 आ रहा है, तो भाई वर्क परमिट की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन विजिट वीज़ा वाला प्रोसेस इंडिया से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्सपो बनाया किस लिए है, विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचाने के लिए, लुभाने के लिए, बुलाने के लिए तो बुलाया है ना। तो इसलिए अगर विजिट वीज़ा पे रोक लगा के रखेंगे इन 16 कंट्रियों के, तो लाखों लोग 16 कंट्रियों से जाने वाले हैं, तो वीए को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। टूरिज्म के पर्पज़ से, इनकम के पर्पज़ से वो वीज़ा दे के बैठा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं सितंबर फर्स्ट में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे अपडेट, फ्लाइटें तो वैसे स्टार्ट हैं भाई, विजिट वीज़ा थर्ड कंट्री जाओ, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो सकती हैं डायरेक्ट इंडिया से या पाकिस्तान से दुबई विजिट पहुंचे वीज़ा वालों के लिए। जी हाँ, वर्क परमिट की बात करें तो भाई वर्क परमिट का तो दूर दूर तक कोई चांस अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार का पूरा माइंड है ना वो एक्सपो 2020 पे है। अगर अब सरकार अगर वर्क परमिट वीज़ा चालू नहीं करेगी तो कब करेगी, सोचने की बात है। फिर तो ये लंबा प्रोसेस चला गया, 2022 अप्रैल में पहुंचेगा फिर तो भाई, तो दिक्कत आएगी, फिर तो ऑप्शन ही बचेगा कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट ही आपके पास बचेगा। तो इसमें भी हालांकि लोग अभी भी जा रहे हैं मेरे मोबाइल पे, जिन्होंने मुझे जोड़ देते हैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, उनके मैसेज आते हैं दुबई की उस कंपनी का इंटरव्यू आ रहा है, दुबई की उस कंपनी का इंटरव्यू आ रहा है, अब वो ये नहीं बताते किधर से भेजेंगे कैसे भेजेंगे। जी हाँ, हालांकि ये तो भाई ऑफर लेटर, ये तो जो सिस्टम है ना, ये जब लॉकडाउन लगा हुआ था फ्लाइटें बंद थी तब भी ऐसे लोगों के चल रहे थे, कुवैत की तो वैकेंसी कभी ख़त्म नहीं होती, सच्चाई की बात यह है। तो बस थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट कर लीजिए थर्ड कंट्री के जाने के बजाय 10 से 15 दिन, या फिर हो सकता है नवंबर फर्स्ट में आप सितंबर फर्स्ट में अपने को एक अच्छी न्यूज़ मिलने को मिल जाए। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था भाई, अबूधाबी से रिलेटेड, वीए से रिलेटेड अभी कोई खास न्यूज़ है नहीं, आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।